फ्रैक्चर ऑफ स्केपुला फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुलास कॉमन लेस कॉमन होता है अनकॉमन तो है अगर हो भी गया तो अनडिस मतलब अपनी नॉर्मल एनेटमिकल पोजिशन से स्केपुला नहीं होता डिस्प्लेस बिकॉज द फ्रेगमेंट आर हेल्ड इन पोजिशन बाय सराउंडिंग मसल जो मसल्स हैं उन्होंने उसको प्रॉपर पोजिशन में रखेंगी ही रखेंगे वो उसको ठीक है

एक्रोमियन प्रोसेस एंड कॉरेकॉइड प्रोसेस फिर आप इसको डायग्राम एड करना है कि कॉरेकॉइड प्रोसेस क्या है क्या है नेक कहाँ है बॉडी कहाँ है और वहां से कॉमन साइट आपको जब एग्जाम में आप ऐड करेंगे तो आप जो है वो क्या लिखेंगे कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन स्कैपुला फिर आप उसका डायग्राम एड करके डायग्रामेटिकली शो करेंगे कि कॉरेकॉइड क्या है एक क्या है नेक क्या है एंड बॉडी देन हमारा आता है डायग्नोसिस आप कैसे करते हैं एक्सरे कराते हैं उससे क्लियर हो जाएगा फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में आप ट्रैंगुलर स्लिंग बांधते हैं पेशेंट को एनलजेसिक्स देते हैं और एंटी इंफ्लामेटरी उसके लिए कुछ पीओपी वगैरह अलग से कुछ नहीं करना ट्रेंगुलर स्लिंग बांध के जस्ट उसको इमोबिलाईज करना है पार्ट को तो क्या हो जाएगा वो अपने आप हील हो जाता है क्योंकि हमें क्या बताया कि जो ये फ्रैक्चर है स्कैपुला का मोस्टली अनडिसप्लेस्ड होता है अपनी पोजीशन में रहता है इसलिए रिडक्शन की तो जरूरत पड़ती नहीं है तो आपको ट्राइंगुलर स्लिंग से थोड़ा इमोबिलाईज करना है बस उस पार्ट को तो इट इज ऑल अबाउट द फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला